डार्क वेब पे ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा क्रीपी होती हैं। काफी सारे ऐसे वीडियोस जो लोगों को डिस्टर्ब कर देते हैं और काफी सारी ऐसी चीजें भी हैं जो कहीं तक ट्रॉमा छोड़ के जा सकती हैं। और उन्हीं सब चीजों में से एक चीज है जिसका नाम है रेड रूम। हो सकता है तुमने इस चीज़ के बारे में पहले भी सुना हो, पर हाँ, इन सब चीज़ों से पहले मैं तुमको वार्निंग देना चाहता हूँ। अगर तुम्हें ऐसे कंटेंट देखना पसंद नहीं है, अगर ये चीज़ें सुनना तुम्हें थोड़ा डिस्टर्ब कर देते हैं, तुम कमजोर दिल के हो, तो इस वीडियो को यहीं बंद कर दो। और अगर तुम रुक चुके हो तो चलो आगे बढ़ते हैं। डार्क वेब पे बहुत सारी अजीब चीज़ें होती हैं। इनमें से कुछ है असैसिनेशन, पैसे देके किसी को मरवाना, कुछ हो गया तुम्हारा ड्रग सेल करना इलीगली। लेकिन उन सब में एक चीज़ आती है जो कि बड़ी अजीब सी फैंटेसी है और ये बहुत ज़्यादा इल माइंडेड और साइकोपैथ लोगों की फैंटेसीज होती है, जो कि है रेड रूम्स। अब इन शॉर्ट में समझाऊं तो रेड रूम्स का मतलब ऐसा होता है, कोई हॉस्टेज होगा जो कि बैठा होगा और तुम्हारे इधर से रिक्वेस्ट करने पे जो तुम बोलोगे उसके साथ वो किया जाएगा, जो भी तुम बोलोगे। रेड रूम को अगर किसी दूसरे तरीके से समझाया जाए तो, अगर तुमको हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज है तो हिटलर जैसे लोगों को कंसंट्रेशन कैंप में डालता था, उनको वहां टॉर्चर करता था, रेड रूम उसी तरीके का है। बट यहाँ एक चीज अलग है। एक हॉस्टेज होगा जो कि कुर्सी पे बैठा हुआ होगा, उसको बांध रखा होगा, उसके बगल में एक इंसान खड़ा होगा और लाइव वीडियो चल रही होगी। और जैसे YouTube में तुम्हारे चैट्स चलते हैं लाइव वीडियोस में, उसी तरीके से चैट्स रन हो रहे होंगे। और अगर तुम वहां पे देखोगे तो वहां पे कोई सिंपल रिक्वेस्ट नहीं होगी, वहां पे सीधा रिक्वेस्ट जाएगी $3,000 ऑफ बिटकॉइन ऐसे, और उसके बाद रिक्वेस्ट जाएगी कि कट हिज फिंगर। और जैसे ये रिक्वेस्ट आएगी, जो सामने खड़ा आदमी होगा वो उसकी उंगली काट देगा बिना कुछ सोचे समझे। अब तुम खुद सोचो, पैसे दिए जा रहे हैं किसी को टॉर्चर होता देख के, मतलब किसी को कितना मजा आ रहा होगा कि उसकी उंगली कट रही है और उसके लिए वो $3,000 दे रहा है। और ये तो एक छोटी सी रकम है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ऐसे ही काफी सारी चीजें होती है। फिर कोई दूसरा कमेंट आएगा जो कि होगा $5,000 ऑफ बिटकॉइन, आई थिंक ही इज हंग्री, उसकी उंगली उसी को खिला दो। और ये मैं कोई भी बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, वो सीधा उठाएगा उसकी उंगली और उसके मुंह में डाल देगा और उसको बोलेगा जबरदस्ती खाने के लिए। उसके बाद फिर तीसरा कमेंट आता है ऐसे ही अगेन, $5,000 या $6,000, जो भी रकम है, जो भी हाईएस्ट लेवल पे पैसे दिए जाएंगे उसकी बात मानी जाएगी। तो एक कमेंट आता है, मान लो कि एक चैट आती है कि इसकी आंख निकाल लो और उसे क्रश कर दो पूरा का पूरा और इसी के मुंह में डाल दो, वो भी कर दिया जाएगा। तुम सोच रहे हो किस क्रीपी लेवल पे चीजें जा सकती है, मतलब किसी के रिक्वेस्ट करने पे किसी आदमी को, किसी इंसान को टॉर्चर करा जा रहा हो और लोगों को मजा भी आता है। एक चीज दिमाग में रखो कि ये जो लोग है ना, ये कोई भी नॉर्मली ऐसे लोग नहीं है जो कि आसानी से पैसे दे रहे हैं। अगर ये इतना पैसा दे पा रहे हैं, इसका एक ही सेंस बैठता है कि ये कुछ ज्यादा ही अमीर लोग हैं। और डार्क वेब पे ऐसे लोग नहीं जाते यार जो सिंपली ऐसी ब्राउज करने के लिए चले गए। तुम कभी गए हो क्या डार्क वेब पे ऐसे? वहां पे साइकोपैथिक, इल माइंडेड और ये जो वेल्दी लोग होते हैं ना, उन लोगों की जो फैंटेसीज होती है वो पूरी होती है, तभी वहाँ डार्क वेब पे जाते हैं ये लोग। और ये अमीर होते हैं तभी ये इतना पैसा फूंक भी पाते हैं। अब बात आती है कि ये जो आदमी टॉर्चर हो रहा था, ये आया कहाँ से होगा? तो देखो, ये जो आदमी है, हो सकता है तुम्हारे ही आसपास का हो, हो सकता है तुम किसी मार्केट में चल रहे हो और तुम्हारे आसपास में कोई आदमी हो और उसी को किडनैप कर लिया गया और उसके बाद वो कहाँ गया कुछ पता नहीं। तो ये जो गायब हुए केसेस रहते हैं ना, उनके साथ ही ऐसी चीजें होती हैं, उन्हीं के साथ ये परफॉर्म किया जाता है, उन्हीं को टॉर्चर किया जाता है। एक हॉलीवुड की मॉडल है जिसको ऐसे किडनैप कर लिया गया था और उसको डार्क वेब पे लिस्ट भी कर दिया गया था बेचने के लिए। And then someone came from behind, put one arm around my neck and then one on my mouth and my nose, completely unconscious. तुम सोच सकते हो, जब हॉलीवुड की मॉडल ही सेफ नहीं है तो ये आम लोग कौन है, मतलब जो उस लेवल के अथॉरिटीज हैं, मतलब डार्क वेब पे, जो कि किसी को भी उठा सकती है इस तरीके से। बस किस्मत की बात ये रही कि वो जो हॉलीवुड की जो भी मॉडल थी वो बच गई, किसी तरीके से बाहर आ गई, वरना वो भी लास्टली ऐसे ही एंड अप हो जाती, उसका भी कुछ पता नहीं चलता वो कहाँ गई। काफी लोग इस चीज को मिथ मानते हैं कि रेड रूम पे वीडियोस नहीं होती, मतलब ऐसी। पर देखो गाइस, अगर ये नहीं होती है तब तो ठीक ही है, लेकिन धुआं वहीं से उठता है जहां कभी आग लगी होती है। तो अगर ये बाय चांस रेड रूम एग्जिस्ट करते हैं असल जिंदगी में, असल में इसकी वीडियोस इस तरीके की होती हैं, तो ये बहुत टफ चीज है। और किसी के भी साथ इस तरीके से खिलवाड़ हो रहा हो, टॉर्चर हो रहा हो, ये बहुत ही ज्यादा डरा देने वाली चीज है। रेड रूम यहीं तक सीमित नहीं है, डार्क वेब पे एक अलग तरीके की वीडियोस भी बनती है जिसको कहते हैं कस्टम।